सभी साथियों को नमस्कार। आज काफी दिन बाद ये वीडियो आ रहा है। काफी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन बता देता हूँ। मैं अभी फिलहाल बाहर आया हुआ हूँ। मैं अभी हूँ वशिष्ठ योग आश्रम अहमदाबाद में और मैं योग सीखने आया हूँ। अभी कुछ टाइम के लिए मैं भी शिष्य बनकर यहाँ पर गुरु जी के चरणों में हूँ और योग सीख रहा हूँ। वशिष्ठ योग आश्रम में योग गुरु श्री धीरज जी है, वहीं पर मैं योग सीख रहा हूँ। 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन के बाद सारी क्लासेस रेगुलरली हो जाएगी। अभी अंतिम दिन चल रहे हैं, आप सभी के भी एग्जाम बहुत निकट आ गए। खासतौर पर रीट परीक्षा की बात करूं तो रीट परीक्षा तो अब बस होने वाली है। तो आखिर में जो कुछ सूत्र, 2-4 दिन हो गए मुझे यहाँ पर योग सीखते हुए, तो जो कुछ सूत्र मैंने सीखे हैं गुरु जी से, तो वो कुछ सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। वो सूत्र सिर्फ योग के लिए नहीं है, सिर्फ जीवन के लिए नहीं है, बाकी बल्कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत काम के हैं। इसलिए मैंने जो सीखा, मुझे लगा कि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम के हो सकते हैं, इसलिए वो सूत्र मैं भी बता रहा हूँ। लास्ट टाइम पर आपके एग्जाम में वो बहुत काम आने वाले हैं। बाकी 10-15 दिन बाद हम सारी क्लासेस वापस रेगुलर करेंगे, लेकिन ये जो दो सूत्र मैं बताने वाला हूँ ये सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की बात है। आपका एग्जाम है तब तो बहुत खास तौर पर आपके काम आने वाला है, बाकी जब आप पढ़ाई करें तब भी बहुत आपके काम आने वाला है। तो यहां पर योग करते समय गुरुजी ने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई योग के लिए। वैसे हम सभी को ये सुनते हैं समझते हैं, लेकिन शायद उस तरह से कभी हम अप्लाई नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। दो बातें, उस बात को आप शायद और कहीं बार पहले भी सुना होगा, लेकिन अब इसको सुनने के साथ आपको अप्लाई भी करना है। दो बातें, पहली बात जो गुरुजी ने हमें सिखाई, पहली बात है वो है सजगता, जागरूक रहना, अलर्टनेस। योग में ये बहुत जरूरी है सीखते समय कि आप कितने सजग हैं। कई बार ऐसा होता है, आप भी देखते होंगे, जब आप पढ़ रहे हों तब आप कई फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में हम ज्यादातर सोचते रहते हैं। या फिर कई बार हम पढ़ते पढ़ते एकदम से अचानक से पास्ट में चले जाते हैं, पहले हम किस तरह से क्या पढ़ रहे थे, क्यों नहीं पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चली जाती है, वर्तमान में हम रहते नहीं है। योग में वो बहुत जरूरी है, जीवन में भी वो बहुत जरूरी है और पढ़ाई में भी वो बहुत जरूरी है कि हम प्रेजेंट में रहे, वर्तमान में रहे। अलर्टनेस बहुत जरूरी है, दिमाग को बार बार याद दिलाना है कि अलर्ट रहना है, वर्तमान में रहना है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब ये अलर्टनेस आपके बहुत काम आने वाली है। एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अगर आप पूरी तरह से सजग रहेंगे तो आप कई सवाल ऐसे होते हैं परीक्षा में जो हम हमारी सजगता की कमी के कारण गलत हो जाते हैं। 4-5 प्रश्न तो कई बार सिर्फ इसलिए गलत हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आते हुए सवाल गलत हो गए हैं। वो गलत क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि वहां सजगता की कमी होती है। हमारा अलर्टनेस का जो लेवल है माइंड का, ब्रेन का, वो उस लेवल पर नहीं रह पाते हैं। तो अगर आप सजग रहकर अपने एग्जाम में जाए तो आप मानकर चलिए आप 4-5 प्रश्न ऐसे सही करके आएंगे जो बाकी लोग गलत करके आ जाएंगे। और आप जानते हैं 4-5 प्रश्नों की इम्पोर्टेंस कितनी होती है। 4-5 प्रश्नों से तो मेरिट बहुत आगे पीछे हो जाती है। तो अलर्टनेस बहुत जरूरी है, सजगता बहुत जरूरी है। सजगता का मायने क्या है? तो वो सजगता का मतलब है, अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो थोड़े दिन बाकी है उसमें भी जब आप पढ़ाई करें तो पूरी तरह से आपके किताब में, आपकी पुस्तक में आपका ध्यान रहना चाहिए। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, नहीं होगा तो कैसा होगा, या फिर अभी तक मैंने ये टॉपिक्स क्यों नहीं पढ़ लिए हैं, या फिर मैंने इस तरह से कैसे पढ़ा, पास्ट में अगर फ्यूचर में अगर आपका दिमाग चल रहा है तो समझ लीजिए कि आप ऑफलाइन हैं, ऑफलाइन मोड में हैं, आपका दिमाग अलर्ट नहीं है। अगर हम सिर्फ सजग रहकर पूरी तरह से, जहां गुरुजी बार बार कहते हैं कि डूबना है ना, योग में भी डूबना है, जो डूब गया सो तिर गया सो पार हो गया। अगर आप डूब कर काम करेंगे ना तो मानकर चलिए कि आप अपने जो तैयारी का लेवल है वो 2 गुना 5 गुना और 10 गुना बढ़ा लेंगे। लास्ट टाइम पर जब आप ओएमआर शीट पर गोले भर रहे होते हैं उस समय भी अलर्टनेस बहुत जरूरी है, सजगता बहुत जरूरी है। अब ये सजगता बढ़ाए कैसे? देखो ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आप एकदम से सजगता आ जाएगी, ये बहुत अभ्यास के बाद आती है। लेकिन इन 2 दिनों में आप क्या कर सकते हैं? इन 2 दिनों में आपको बार बार अपने माइंड को ये याद दिलाना, जैसे माइंड पास्ट में या फ्यूचर में जाता है आपको याद दिलाना है कि मुझे प्रेजेंट में रहना है, अभी के बारे में सोचना है, न फ्यूचर के बारे में सोचना है न पास्ट के बारे में। बार बार जब आप इस तरह से एक अलर्टनेस मोड पर अभी से आ जाएंगे कि मुझे फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, पास्ट में क्या हो गया है उसके बारे में नहीं सोचना है। कई बार हम उसके बारे में सोच सोच कर ही अपनी तैयारी को कमजोर कर देते हैं, वो नहीं सोचना है, लगातार अपने माइंड को याद दिलाना है, धीरे धीरे आपका अलर्टनेस बढ़ेगा। कई बार जब आप सोचते हैं कि
आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, वो अलर्टनेस की कमी की वजह से होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पढ़ा हुआ तो है पर एग्जाम टाइम में याद नहीं आ रहा है, वो सजगता की कमी से हो रहा है। अगर आपकी सजगता का लेवल बढ़ जाएगा तो ऐसी चीजें आपके साथ नहीं होगी। और कई बार रीट में तो आपने देखा होगा कॉमन सेंस वाले प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, वो तभी सही होंगे जब आपका अलर्टनेस का लेवल बहुत ज्यादा होगा। इसका अभ्यास करेंगे हम बाद में, लेकिन अभी जो थोड़ा सा समय बाकी है आपको ये ध्यान रखना है, बार बार अपने मस्तिष्क को अपने दिमाग में ये संदेश भेजना है कि मुझे अलर्ट रहना है। दूसरी बात, सहजता बहुत जरूरी है लास्ट टाइम एग्जाम के समय कि आप सहज रहे, कंफर्ट रहे। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया लास्ट टाइम पर तो मानकर चलिए कि आप अपने 2-4 नंबर कम कर लेंगे। स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, बाकी सबसे अच्छा पढ़ा है, ये पूरे विश्वास के साथ जाए कि यहां पर इस बार मैं सिलेक्शन लेकर ही आऊंगा, मेरा इस बार चयन निश्चित रूप से होगा। तो आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे उतना पेपर अच्छा करके आएंगे, कोई डर नहीं रहना चाहिए। मेरी बहुत सारे साथियों के मेरे पास अभी भी मैसेज आता है कि सर एग्जाम आ गया है, डर लग रहा है। ध्यान रखिए, देखो डर के साथ जाएंगे तो आप संभावना है कि आते हुए सवाल भी गलत करके आए आप आ जाएंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाए, पूरे विश्वास के साथ जाए कि आपने अच्छी तैयारी की है और आप एग्जाम अच्छे से देकर आएंगे। तो ये 2 सूत्र थे जो मैंने गुरुजी से सीखे हैं और आपको मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा कुछ बातें मेरी तरफ से भी, लास्ट टाइम पर आप जा रहे हैं, लास्ट टाइम पर आपको क्या करना है, अब सिर्फ थोड़ा सा रिविजन पर फोकस करना है, नया आप कुछ भी नहीं पढ़ना, इधर उधर का जो भी मैटर मिला अब उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, केवल रिविजन पर फोकस करना है। और टेस्ट के बारे में भी बता देता हूं, अब लास्ट में टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, अभी आपको क्या करना है, अगर आपने टेस्ट ले भी रखे तो केवल उनको पढ़ लीजिए, टेस्ट के रूप में उसको नहीं देना है। दूसरा, क्योंकि एग्जाम के समय बहुत भीड़ भाड़ रहने वाली है, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अपनी व्यवस्था थोड़ी से पहले कर लीजिए, भाग दौड़ में आप एग्जाम में नहीं पहुंचे, उससे भी थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है। जहां आपका एग्जाम सेंटर आया पहले ही व्यवस्था करके सही समय पर पहले से ही पहुंच जाए, और एग्जाम हॉल में जैसा कि मैंने बताया पूरी तरह से अलर्ट होकर फिर आपको ओएमआर शीट भरनी, अच्छे से पेपर को पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, समय देना है, उसके बाद उस पेपर को सोल्व करना है, ठीक है। आज हो सकता है शायद थोड़ा सा वीडियो और ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाई हो, मैं बाहर से ही रूम से ही अपने रूम से ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शायद इतने अच्छे नहीं हो पाए, फिर भी आप बस मेरी भाव को समझ लेना, बाकी जल्दी वापस मिलेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, और आप निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छा करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।